तो आपने नारायण मूर्ति जी के ये स्टेटमेंट तो सुनी होगी कि हमारे देश में वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में काफी कम है और देश के युवाओं को 17 घंटे काम करने की जरूरत है अगर देश को प्रगति के राह पे लेके जाना है। लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जिसके पास नौकरी है उनमें से भारत का लेबर फोर्स दुनिया में 7वें पायदान पे है। हम 48 आवर्स काम करते हैं और यही नहीं, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी हमें ये बताती है कि डेवलप्ड नेशन जैसे कि यूएसए में सबसे काम काजी लोग इंडियंस एंड चाइनीज हैं। और रही बात प्रोडक्टिविटी की, तो ये कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है कि लंबे घंटों तक काम करने से बात बनती है, वरना कोंगो, नाम्बिया, भूटान जैसे देश सबसे ज्यादा विकसित होते। उल्टा ये देखने में आया है कि आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जहाँ वर्किंग आवर्स काफी कम है वहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। तो आपको क्या लगता है कि मूर्ति जी का जो ये बोलना है वो सही है? तो लेट मी नो इन द कमेंट।